नमस्ते, मैं जे वी एन किरणदीप कौर आज बी एड फोर्थ सेमेस्टर का सेशन लेने जा रही हूँ। वो ये है कि आपको फूड को किस तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कि फूड को किस तरह से आप संभाल के रख सकते हो, वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, और अभी जो है सबसे पहले हम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ते हैं बाय होम प्रिवेंशन के। ठीक है, कमिंग इज़ अ वन ऑफ द होम कैनिंग इज़ अ वन ऑफ द होम मेथड ऑफ द होम प्रिवेंशन। इट इज़ प्रिजर्व इट इज़ अ कैनिंग, इट मीन्स कि जार्स में जो है बंद करके रखते हैं खाने को। डेट इज़ द बेस्ट वे फॉर द प्रिवेंशन ओके ऑफ द फूड। द उसमें क्या रहना चाहिए ध्यान रखने के लिए, रिमूव एयर प्रॉपरली। ओके, जब आप कैनिंग करते हो तो आपको जो है उसमें से एयर जो है प्रॉपरली बाहर निकाल देनी चाहिए। प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ द जो है क्या करता है, प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया मोल्ड्स एंड ईस्ट, डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स एंड क्रिएटिंग अ टाइट सील। उसको जो है अच्छे से टाइट करके बंद कर देना। हाउ फूड आर कैंड, द टाइप ऑफ अ कैनिंग डिपेंड्स ऑन द वेदर, फूड ऑफ द हाई एसिड एंड लो एसिड। हाई एसिड फूड फ्रूट्स, लो एसिड फूड मील सी फूड वेजिटेबल्स एंड ऑल। हाई एसिड फूड आर यूज टू बॉइलिंग वाटर कैनर टिपिकली। दिस टाइप ऑफ कैनिंग मेक्स द जैम्स शुगर कॉर्ड पिकल्स ऐसे जो होते हैं, ठीक है, इनको बनाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, एंड वेयर द लो एसिड फूड आर कैंड यूजिंग अ प्रेशर कुकर प्रेशर कैनर एंड द हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द टू किल बैक्टीरियाज। लाइक हाई मैंने बताया आपको, वेजिटेबल और फूड वगैरह को जलाने के लिए क्या बनता है, उसको मतलब गलाने के लिए क्या चाहिए होता है, हाई एसिड फूड जो होते हैं उनके लिए धूप चाहिए होती है, उनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। वट इज़ कैनिंग, होम कैनिंग, होम कैनिंग इज़ द वे टू प्रेजेंट द फूड फ्रेश फूड इन अ ग्लास जार्स। ओके, तो हाँ मतलब किसी भी चीज़ को जार में बंद करके प्रॉपर टाइम के लिए रखना, उसको कहते हैं होम कैनिंग। ठीक है, व्हाट फूड कैन बी कैंड, जैम जेलीज सॉसेज, ये सब आपके जो है मतलब चटनीज सॉसेज पिकल्स ये सब आप कैंड करके रख सकते हो। हाउ डज कैनिंग प्रिजर्व द फूड, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, रिमूविंग एयर प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मोल्स डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स क्रिएटिंग अ हाईएस्ट। हाउ आर द फूड कैंड एट होम, ये भी मैंने आपको बता दिया, लो एसिड फूड और हाई एसिड फूड। इज सम कैनिंग सेफ व्हेन डन प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली हो तो वो कैनिंग सेफ है, अगर वो प्रॉपरली नहीं है उसमें एयर रह गया या फिर उसको टाइटली बंद नहीं किया, उसको धूप में नहीं रखा, जो हाई एसिड फूड होते हैं तो इट इज़ नॉट सेफ। ओके, देन दे आर मीन्स एक जहर बना देते हैं वो खाने को। ओके, ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर द होम प्रिजर्विंग बिफोर आवर मॉडर्न प्रिवेंशन मेथड्स कम इन टू द प्रॉपरली फूड वॉज प्रिजर्व्ड इन द सम ऑड एंड इंडोजीनियस वेज, इंक्लूडिंग ड्राइंग फॉर्मेटिंग पिंकलिंग ड्राई साल्ट क्यूरिंग, ये सब कुछ है। ड्राइंग वॉज द कॉमन मेथड फॉर द ड्राई फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। ड्राइंग जो है ड्राई करना वो जो है एक कॉमन मेथड है फूड्स को प्रिजर्व करके रखना, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रखना। टू ड्राई फ्रूट वॉज सेट अंडर द चीज़ी क्लॉथ इन द सन और ऑन द रूफ अंटिल बिकमिंग सर्वेल्ड एंड द हार्ड। डेट हार्ड पॉइंट एट दैट पॉइंट इट वॉज द हंग इज सेलर एंड और स्टोर रूम टिल कम कंजप्शन। लेटर वेन इट वॉज द टाइम टू ईट और द फ्रूट और वेजिटेबल वॉज सोक्ड इन अ वाटर एंड फिटेड विद द शुगर इन टू इंक्रीज द प्लेटेबिलिटी। ओके,
Whereas fruit was relatively easy to the to preserve and meat required to many more intense steps. Stop killing the game gems prevention and the preparation of hard happen quickly to reduce the risk of the meat going bad. If meat was to be consumed within few days, it should be parboiled as per the roasted until being fully cooked within few days. If it was the preserved for a longer, it was salted the point where it was not rooted. Finally, prior to eating, that meal was rinsed, scrubbed and soaked. In the winter months, eat meat could be hung outside the frozen, or it could be cured and smoked houses in the smoke houses. This process involves the stoking of the smoky fire below the meat for the few days or the even weeks. Okay. ओके ये आपके कुछ दिनों की मेहनत है जो वो आपकी फैमिली को सेफ बना सकती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकती है फॉर, और वो जो आपने फूड बनाया है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है. सो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कभी भी आप जो है फूड को प्रिजर्व करके रखते हो तो. ओके नमस्ते बेटा.